गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल दैट्स काला गाला और मैं हूं कांक्षा। सो गाइज आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा एक कॉमन और सीवियर प्रॉब्लम को टारगेट करेंगे और ये जो प्रॉब्लम है वो जनरली ऑयली एक्ने प्रोन स्किन वालों में ज्यादा पाई जाती है और मैं बात कर रही हूं पिंपल, एक्ने, डार्क स्पॉट्स और एक्ने स्कार्स की। और गाइज ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो अपना करंट स्किन केयर रूटीन नहीं बदलना चाहते। आप अपने करंट स्किन केयर रूटीन में रहते रहते अपनी इन प्रॉब्लम्स को कैसे टारगेट कर सकते हैं ये आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्पॉट थेरेपी बताऊंगी, कुछ ऐसे बेस्ट प्रोडक्ट बताऊंगी जो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अफेक्टेड एरिया पे लगाने हैं और जो गाइज बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। मेरे पास आजकल बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रॉन सेंसिटिव है तो आपको कौन सा मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, क्या आप विटामिन सी सीरम यूज कर सकते हैं, विटामिन सी सीरम के साथ क्या आप रेटिनॉल लगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं जो आपको ये नहीं पता है कौन सा इंग्रेडिएंट किसके साथ आपको लेयरअप करना चाहिए। तो गाइज इतने सारे क्वेश्चन के आंसर करना मेरे लिए एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपको एक सीरीज देखने के लिए मिलेगी जो शायद 4 एपिसोड की होगी जिसमें आपको आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। और आपको पता है मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली एक्ने प्रॉन और सेंसिटिव है तो इसीलिए जो भी प्रोडक्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो सब के सब मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने के बाद होंगे, इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरे रिकमेंडेड प्रोडक्ट होंगे वो आप लोगों के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। सो गाइस जो फर्स्ट प्रोडक्ट रिकमेंडेशन मेरे पास आप लोगों के लिए है वो है प्लम का ग्रीन टी क्लियर स्पॉट लाइट जेल। और गाइस मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि इससे ज्यादा क्विक और इफेक्टिव स्पॉट ट्रीटमेंट मैंने आज तक यूज नहीं किया। इसकी आपको 15 ml की क्वांटिटी 475 रुपीज की मिलती है। ये 100% वेगन प्रोडक्ट है और प्लम एक इंडियन ब्रांड है। ये आपको 17 बोटेनिकल एक्टिव्स का आपको एक ब्लेंड मिल रहा है जिसमें शामिल है ग्रीन टी, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, नीम, टी ट्री ऑयल, एलो जूस, बीटेन एंड लिकोरिस। ये उनमें से कुछ एक है। आपको पता है AHA एंड BHA सबसे ज्यादा बेस्ट है आपके एक्ने को, आपके डार्क स्पॉट्स को और एक्ने स्कार्स को ट्रीट करने के लिए। दोनों के दोनों ही एक्सफोलिएटर्स हैं। AHA यानी कि ग्लाइकोलिक एसिड वाटर सोल्यूबल होता है, सैलिसिलिक एसिड ऑयल सोल्यूबल होता है। सैलिसिलिक एसिड ज्यादा बेस्ट है आपके एक्ने को ट्रीट करने के लिए। यह आपकी स्किन को पेंट्रेट करके डेड सेल्स को रिमूव करता है, ब्लैक हेड्स वगैरह को रिमूव करता है और उसके साथ साथ आपके पोर्स को अनक्लॉग करता है और एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को भी ये क्लियर करता है। सो गाइज इस जेल को आपको सिर्फ और सिर्फ रात में लगाना है, सोने से पहले नाइट रूटीन करने के बाद सबसे लास्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए। आप यहाँ पे इसका नोजल देख सकते हैं, इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, तो ये इस टाइप की पैकेजिंग में आपको मिलता है। इसे आपको डायरेक्टली अपने एक्टिव पिंपल पे लगा देना है। आपका पिंपल कितना भी सीवियर क्यों नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ 2 रात में ये उसे अच्छे से ड्राई कर देगा। इसके साथ साथ एक्टिव पिंपल के अलावा जब आपका एक्ने स्टार्ट होता है, जब आपको ब्रेकआउट आता है और थोड़ा सा वो पेन करता है, थोड़ी सी स्वेलिंग आती है, तब भी आप इसे लगा सकते हैं, वो वहीं के वहीं सप्रेस हो जाएगा। तो ये एकदम बेस्ट ट्रीटमेंट है। अभी तक जितने भी ट्रीटमेंट मार्केट में आए हैं और मैंने ट्राई किए हैं उनमें आपके एक्टिव एक्ने को ट्रीट करने के लिए, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिव एक्ने पे काम करता है, ये आपके डार्क स्पॉट्स को बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करता। इवन अगर आप एक्ने को सूखने के बाद इसे कंटिन्यू करोगे लगाना तो उस जगह को ये थोड़ा सा ब्लैक कर देता है और वो जिद्दी दाग में बदल जाता है जिसे रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर आपको एक्टिव एक्ने हैं या फिर जनरली आते रहते हैं तो आपके पास एक ये प्रोडक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 15 ml की क्वांटिटी काफी लंबे टाइम तक चलती है। क्लियर जेल टाइप के फॉर्म में आता है। आपको सोने से आधे घंटे पहले अपने सारे के सारे अफेक्टेड एरिया पे इसे लगा लेना है। ये बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जब आपके पिंपल पे आप इसे लगाते हो तो ये हो सकता है टिंगलिंग इफेक्ट करे, बहुत तेज जलन हो सकती है। पहले ही आपका एक्ने थोड़ा सा जलन कर रहा होगा, इसे लगाने के बाद वो और ज्यादा पेन कर सकता है, लेकिन वो जो पेन है वो कुछ टाइम के लिए ही होगा। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो पिंपल पे लगते ही, आपके एक्ने पे लगते ही अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए इसमें जो
कॉन्सेंट्रेशन है AHA और BHA की वो बहुत ज्यादा हाई है, इसीलिए आपको इसे सिर्फ और सिर्फ अपने अफेक्टेड एरिया पे लगाना है, क्योंकि ये जनरली आपकी स्किन को पील कर देता है। तो इसे आपको भूल के भी अपने बाकी एरिया पे नहीं लगाना है, क्योंकि ये आपकी स्किन को ड्राई कर देता है। इसमें से भी बिल्कुल वैसी ही स्मेल आती है जैसे कि प्लम की ग्रीन टी वाली रेंज के बाकी प्रोडक्ट्स में से आती है। जो सेकंड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है रिक्विल का एक्ने क्लैरिफाइंग जेल, जो मुझे ये कहना नहीं पड़ेगा कि ये भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। एक्चुअली प्लम वाला भी मैंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। ये आपको 20 ग्राम की क्वांटिटी 550 रुपीज में मिलती है। ये भी 100% वेगन है, नॉन कॉमेडोजेनिक फॉर्मूला के साथ आपको मिलता है। इसमें आपको AHA BHA यानी कि ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड दोनों मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है आपके डार्क स्पॉट्स को एक्टिव एक्ने को ट्रीट करने के लिए AHA और BHA से ज्यादा पावरफुल और कोई चीज नहीं है। इसकी भी जो पैकेजिंग है, इसकी भी जो नोजल है वो उसी टाइप की है। इसे भी आपको डायरेक्टली अपने एक्टिव पिंपल पे और डार्क स्पॉट्स पे लगा लेना है। ये भी फॉर्मुलेटेड है आपके एक्टिव एक्ने पिंपल को ट्रीट करने के लिए, और इसके साथ साथ ये आपके डार्क स्पॉट्स पे भी काम करता है। इसे आप दिन में 3 से 4 बार तक आराम से लगा सकते हैं। तो गाइज, इन दोनों प्रोडक्ट में डिफरेंस ये है, पहली बात तो ये है कि वो नाइट में लगाना है और ये आपको दिन में लगाना है। लेकिन इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया वो ज्यादा पावरफुल है, ये थोड़ा सा कम पावरफुल है। इसमें सैलिसिलिक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 1%। ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता, और इसकी खास बात ये है कि ये आपके डार्क स्पॉट्स को फेड करता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक्टिव एक्ने पे काम करता है, लेकिन ये आपके डार्क स्पॉट्स को भी फेड करता है। इसे भी आप अपने एक्टिव एक्ने पे लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रोसेस है एक्टिव एक्ने को सुखाने का, उसे ट्रीट करने का, वो थोड़ा सा स्लो है। लेकिन ये आपके डार्क स्पॉट्स को बहुत अच्छे से फेड करता है, और इसके साथ साथ ये बिल्कुल भी आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता। इसे लगाने का तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको अपने फेस को वॉश करना है, उसके बाद ये जेल लगाना है, उसके बाद आपको एक मॉइस्चराइजर यूज करना है, और उसके बाद आपको सनस्क्रीन लगानी है। तो ये सबसे पहला स्टेप होगा आपके स्किन केयर रूटीन में, ताकि ये अच्छे से आपकी स्किन में मेल्ट हो जाए और सबसे जल्दी ये आपकी स्किन के लेयर को पेनिट्रेट करके अपना काम स्टार्ट कर दे। जो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन मेरे पास है वो है वॉल स्किन साइंस का एंटी एक्ने फेस सीरम, जो कि इस टाइप की पैकेजिंग में आता है। 30 ml की क्वांटिटी आपको 699 रुपीज की मिलती है। ये एक डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है, 100% वेगन है, इसमें भी आपको कोई हार्मफुल केमिकल नहीं मिलते हैं। ये भी एक स्पॉट थेरेपी है, स्पॉट ट्रीटमेंट है। इस सीरम को आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एक्टिव पिंपल पे लगाना है, आपके डार्क स्पॉट्स पे लगाना है, और जो भी पिगमेंटेशन वगैरह हो आपकी स्किन पे उस पे आपको इसे लगाना है। इसके की इंग्रेडिएंट में शामिल है नीम, सैलिसिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल, ट्राइपेप्टाइड। और इसे भी आप देख सकते हैं, इसे मैंने आधा यूज कर लिया है, और इसे समझ सकते हैं कि इस ब्रांड पे, इस प्रोडक्ट पे मैं कितना ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। तभी ये आधा खत्म हो गया है, क्योंकि मेरा रिक्विल वाला पूरी तरीके से फिनिश हो गया था, इसीलिए उसके बाद मैंने ये यूज करना शुरू किया। अगर आप इन दोनों में कंपेरिजन पूछेंगे तो मुझे इनकी दोनों की ही परफॉर्मेंस में कोई खास अंतर नहीं दिखाई दिया। तो इसीलिए इन दोनों में आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, दोनों का जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये भी बहुत अच्छे से डार्क स्पॉट्स को ट्रीट करता है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस इसका स्लो है। जितने आपके पुराने दाग धब्बे होंगे उन्हें ये उतना ही धीरे धीरे निकालेगा, और जितने आपके नए दाग धब्बे होंगे, न्यू पिंपल होंगे, उन्हें ये उतना ही जल्दी निकालेगा। तो इन दोनों में से आपको जो ज्यादा अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और जिन्हें आपको बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड भी किए होंगे, वो है द डर्माको का AHA BHA जेल और AC1 फॉर्मूला। का जो नाम है वो बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लगता है, AHA BHA जेल, क्योंकि AHA BHA जेल आपको पता है, आप सभी को पता है कि आपके एक्ने को ट्रीट करने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए कुछ लोग तो इसके नाम से इम्प्रेस होके इसे ले रहे हैं, लेकिन गाइस इसने मेरे एक्टिव पिंपल पे, मेरे डार्क स्पॉट्स पे किसी पर भी बिल्कुल कोई असर नहीं किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे मैंने पूरे एक हफ्ता यूज किया है, एक हफ्ते में मेरे डार्क स्पॉट्स पे इसने 1% भी उन्हें ट्रीट नहीं किया। तो इसीलिए ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हो सकता है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों के लिए इसने काम किया हो, बट मेरे लिए इसने पर्सनली कोई काम नहीं किया। इसके साथ साथ द डर्माको ने मुझे ये भी रिकमेंड किया था, ये है उनका फॉर्मूला AC1, इसे मुझे रात में लगाना था। और गाइज इसके साथ तो मेरा एक्सपीरियंस इतना खराब रहा कि जब मैंने इसे अपने एफेक्टेड एरिया पे लगाया, इसने उन्हें सीवियर कर दिया, और भी ज्यादा जो मेरी पिंपल्स थे उन्हें और भी ज्यादा अग्रेसिव कर दिया। तो ये जो दो प्रोडक्ट है ये मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी। तो गाइज नेक्स्ट जो मैं आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करना चाहती हूँ वो है तिजोरी का एंटी डार्क स्पॉट क्यूक्यूम्बर लेमन फेस पैक, जिसने मेरे लिए बहुत अच्छे से काम किया है। ये एक इंडियन ब्रांड है
और इसमें 100% आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिलते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो इंग्रेडिएंट हैं, एक लेमन एक क्यूक्यूम्बर। इसके साथ साथ इन्होंने इसमें एसेंशियल ऑयल डाले हैं। इसे आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अफेक्टेड एरिया पे लगाना है। आप चाहें तो इसे अपने पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे प्रेफर करती हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने अफेक्टेड एरिया पे लगाना। इसमें से बहुत ही प्यारी थोड़ी सी टर्मरिक की स्मेल आती है। अगर आपको सीवियर प्रॉब्लम है डार्क स्पॉट्स की तो आप एक चांस इसे भी दे सकते हैं। स्पॉट ट्रीटमेंट के अलावा अगर आप एक मास्क भी अपने रूटीन में डाल लेंगे तो ये आपके लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसने भी मेरे डार्क स्पॉट्स को फेड करने में काफी हद तक मेरी हेल्प की है। जो मैं आपको टिप देना चाहती हूँ वो ये देना चाहती हूँ कि आपको अपने फेस को कई बार दिन में वॉश नहीं करना है, और स्पेशली जो आपका फेस वॉश है उससे तो बिल्कुल नहीं। हमारी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, और अगर आपकी स्किन पे कोई एक्टिव पिंपल है तो वो बहुत थोड़ी ही देर बाद थोड़ी इचिंग करने लगता है, और आपको मन होता है कुछ ठंडा ठंडा अपने मुंह पे लगा लें या फिर अपना फेस वॉश कर लें, जो कि बहुत ही एक गलत चीज है। क्योंकि फेस वॉश करने के बाद आपकी स्किन थोड़ी खिंची खिंची हो जाती है, और उसके बाद फिर से आप सोचते हैं कि आप अपनी स्किन पे क्या लगाएं। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप अपना फेस वॉश सिर्फ और सिर्फ दो बार यूज करें, एक बार मॉर्निंग में और एक बार रात में। इसके अलावा जब भी आपको मन हो फेस वॉश करने का या फिर आपका पिंपल थोड़ा जलन करने लगे, तो या तो आप ये वाला फेस पैक लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने अफेक्टेड एरिया पे, नहीं तो आप अपने फेस पे एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। अगर आपको दो से ज्यादा बार फेस वॉश करने का मन है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप अपना फेस एलोवेरा जेल से धोएं। और मेरे पास जो आपके लिए प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है वो है ला ऑर्गेनो का एलोवेरा जेल, जो कि 99% प्योर एलोवेरा जेल है। इसकी खास बात यह है कि ये पहली बात तो ये एकदम प्योर है, बहुत अच्छे से मेरी सेंसिटिव स्किन को सूट किया है। इसके साथ साथ ही काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। अगर हम मार्केट में बाकी एलोवेरा जेल से कंपेयर करें तो ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। इसकी 120 ml की क्वांटिटी का MRP ही सिर्फ 299 rupees है। इसके साथ साथ इस पे आपको 20-30% ऑफ मिल जाएगा, और इसके साथ साथ आपको एक नीचे कूपन कोड भी मिल जाएगा जिससे आपको 10% और भी ज्यादा ऑफ हो जाएगा। क्योंकि आपको डेली एलोवेरा जेल से फेस वॉश करना है तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि एक अच्छा और अफोर्डेबल एलोवेरा जेल आप ले सकते हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप ला ऑर्गेनो का एलोवेरा जेल ट्राई करें। इससे आप दिन में दो बार तक भी फेस वॉश कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसकी इवन लेयर अपने फेस पे लगा लेनी है, तो जितनी भी जलन वगैरह आपकी स्किन पे हो रही होगी उसे भी ये कामिंग और सूथिंग इफेक्ट देगा, और बहुत अच्छे से आपकी स्किन को बिना ड्राई बनाए क्लियर कर देगा। इसके साथ साथ एलोवेरा जेल एक बेस्ट ट्रीटमेंट है आपके टैन को रिमूव करने के लिए, तो अगर आपकी स्किन पे टैनिंग भी होगी तो उसे भी ये बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो बार अपना रेगुलर फेस वॉश यूज करना है। उसके अलावा अगर आपको फेस वॉश करने का मन हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा जेल अपनी स्किन पे यूज करें। तो गाइज, आज की ये जो वीडियो थी वो सिर्फ और सिर्फ स्पॉट ट्रीटमेंट के ऊपर थी कि आप अपने एग्जिस्टिंग स्किन केयर रूटीन के साथ कैसे अपने डार्क स्पॉट्स को फेड कर सकते हैं, अपने एक्टिव पिंपल को ट्रीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी आपका स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है पिंपल आने वाली और डार्क स्पॉट्स की, ये जड़ से खत्म हो जाए। So yeah, that's all for today's video. See you. Bye-bye.